विदिशा जिले के सिरोंज मुगलसराय थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती का अपहरण कर जबरन शादी करने का मामला सामने आया है। दरअसल इस मामले में 16 वर्षीय फरियादी युवती ने पुलिस को बताया कि गांव में ही रहने वाले एक युवक ने अपने परिजनों के साथ 2 से 3 जुलाई के दरमियानी रात में उसका अपहरण कर लिया और मंदिर में ले जाकर जबरन शादी कर ली, जिसके बाद रात करीब 2 बजे युवती को घर भी छोड़ दिया। वही पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीड़िता से आरोपी युवक ने जबरन धमकी देकर शादी की, जिसके बाद 4 जुलाई को युवती ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। वही इस मामले में SDOP उमेश तिवारी ने बताया कि इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरियादिया ने बताया है कि उसे रात करीब 9 बजे अपने घर बुलाया गया था और वहां उसे चाय में नशीला पदार्थ दे दिया गया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और उसे जब होश आया तो वो किसी मंदिर में थे जहाँ ये आरोपित व्यक्ति है उसके साथ उसकी जबरदस्ती शादी करा दी गई। और इसके बाद जब उसने विरोध किया तो उसे धमकी दी गई कि वो इसके माता पिता को ख़त्म कर देंगे और इस तरह से इसका अपहरण कर उसके साथ जबरदस्ती शादी ब्याह करवा देने का मामला सामने आया है। फरियादिया की रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है।